ओके बच्चों, हम आ चुके हैं अगला वीडियो लेके जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है KCL। KCL स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ। आपको ये बात समझनी है। तो बच्चों आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दी हैं, देख के डरना नहीं है। इनको KCL लगा के, यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा के और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा के, मतलब ये एक ही लॉ है, इन सबको मतलब एक ही लॉ को लगा के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि इस जंक्शन पे 5 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है और ये 10 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है। तो बच्चों आप जानते हो, तो यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जा रहा होगा 15 एम्पेयर। ओके, अब जब ये 15 एम्पेयर करंट यहाँ पे पहुँचेगा, इस जंक्शन पे पहुँचेगा, तो यहाँ से 2 एम्पेयर करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो जितना करंट अब यहाँ पे 15 यानी कि 15 एम्पेयर यहाँ पे आया, 2 एम्पेयर यहाँ से चला गया, तो इसका मतलब अब यहाँ पे इस अगर आर्म की बात करें, यहाँ पे कितना करंट जाएगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे करंट जाएगा 13 एम्पेयर। अब इस 13 एम्पेयर में भी अगर हम इस जंक्शन की बात करें, 13 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है और 3 यहाँ चला गया, ऑब्वियसली यहाँ पे कितना करंट होगा? 13 - 3, मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 एम्पेयर। कोई मुश्किल बच्चों नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल यहाँ पे सब कुछ किया गया है। अब हम दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे बच्चों एक स्क्वायर लूप है और इसके चार कॉर्नर से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से 15 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से 3 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से 5 एम्पेयर करंट एंटर कर रहा है, और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बताइए ये करंट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? बड़ा सिंपल है सॉल्व करना। यहाँ पे बस आपको देखना है कि इस पूरी लूप में कितना करंट एंटर कर रहा है। बच्चों अगर यहाँ पे आप ध्यान दें, 15 + 5 + 3, ये वो करंट है बच्चों जो इसमें एंटर कर रहा है। और ये किसके बराबर होगा? जो करंट यहाँ से क्या कर रहा है, इस पूरे से इस लूप से लीव कर रहा है, यानी कि आई के बराबर। तो आपका आई कितना आएगा? आई आपका आ चुका है 15 + 5 = 20, 20 + 3 = 23 एम्पीयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। देख के डरना नहीं है बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे लगेगा आपको कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको ध्यान से हर एक चीज़ देखनी है। यहाँ से 15 एम्पीयर करंट एंटर कर रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे करंट I2 होगा। मुझे नहीं पता ये करंट I2 क्या है, मुझे ये सारे करंट्स, कौन कौन से करंट मुझे निकालना है बच्चों? यहाँ पे मुझे I2 करंट निकालना है, I3 निकालना है और I4 निकालना है और I1 भी निकालना है। बाकी सारे करंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट एंटर कर रहा है, यहाँ से 8 एम्पीयर करंट नीचे जा रहा है और यहाँ से 5 एम्पीयर करंट नीचे जा रहा है। आपको बड़े ही आराम से ये सारे करंट्स दिख रहे होंगे। अब चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। मुझे I1, I2, I3 और I4 निकालना है। सबसे पहले मैं अगर जंक्शन ए की बात करूं, तो बच्चों आपको देखना है जंक्शन ए पे कितना करंट एंटर कर रहा है और कितना लीव कर रहा है। तो बच्चों जंक्शन ए पे 15 एम्पीयर एंटर कर रहा था और 8 यहाँ पे चला गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे I2 कितना होगा? अगर आप I2 की बात करें, तो 15 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? 8, तो कितना आंसर आ गया आपका? 7 एम्पीयर। तो I2 कितना होगा? 7 एम्पीयर। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 एम्पीयर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, तो 7 एम्पीयर करंट जा कहाँ पर आया बच्चों? आपको डायरेक्शन भी देखनी है, तो उसकी डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। अब बी पे बच्चों अगर हम देखें, तो 3 एम्पीयर करंट यहाँ से एंटर कर रहा था, 7 एम्पीयर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे करंट कितना जाएगा? जितना एंटर उतना ली। तो यहाँ पे अगर हम जंक्शन किसकी बात करें, अगर हम जंक्शन बी की बात करें, तो जंक्शन बी पे 7 एम्पीयर करंट एंटर कर रहा है प्लस 3 एम्पीयर करंट भी एंटर कर रहा है। तो अगर हम करंट I3 की बात करें, तो वो कितना होगा बच्चों? तो करंट I3 की अगर हम बात करें, तो I3 करंट इन दोनों के सम के बराबर होगा और वो क्या आ जाएगा? 10 एम्पीयर। तो अब जान चुके हैं बच्चों यहाँ पे करंट क्या है। I3 यहाँ पे आपका है 10 एम्पीयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 एम्पीयर। ओके, अब ये 10 एम्पीयर करंट कहाँ जा रहा है बच्चों? ये 10 एम्पीयर करंट नीचे जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 10 एम्पीयर करंट आ चुका है। यहाँ से 10 एम्पीयर करंट आया बच्चों, यहाँ से 8 एम्पीयर आया था। अब मैं जंक्शन डी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों एक एक जंक्शन लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। जंक्शन डी की बात करें, 8 एम्पीयर करंट ऊपर से आया है और 5 एम्पीयर करंट यहाँ पे चला गया। तो ऑब्वियसली I4 कितना होगा बच्चों? तो I4 होगा 8 - 5 यानी कि 3 एम्पीयर। यानी कि यहाँ पे करंट कितना गया बच्चों? अगर हम बात करें, यहाँ पे करंट गया है आपका 3 एम्पीयर। 3 एम्पीयर करंट जब यहाँ जाएगा, ऊपर से कितना आ रहा था? 10 एम्पीयर। तो ऑब्वियसली नीचे कितना चला जाएगा? अगर हम जंक्शन सी की बात करें, तो जंक्शन सी पे अगर आप KCL लगाएं, तो आपको आराम से इसका आंसर मिलेगा। जंक्शन सी पे KCL लगा के इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? फटाफट बताइएगा। 3 एम्पीयर प्लस यहाँ से 10 एम्पीयर। तो जितना एंटर करता है उतना लीव करता है, KCL कहता है। तो I1 कितना आ गया आपका? 13 एम्पीयर। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो
किरचॉफ्स करंट लॉ के ऊपर बेस्ड थी। आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ आ चुकी होंगी। ओके बच्चों, आज के लिए।